हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन मी बैंकिंग में और मैं आपका दोस्त संतोष। दोस्तों, अभी के समय में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनके कारण हमें रहने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित होते रहना पड़ता है। लेकिन इन कंडीशंस में जब हम रहने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, अगर हम अपने बैंक अकाउंट्स को ट्रांसफर ना करवाएं तो हमारे बैंकिंग में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो आज का यह वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे कि आप अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली ले जा पाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले यह बात बता देना चाहूँगा कि इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस अभी उपलब्ध नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई ऑनलाइन प्रोसेस भी आएगा तो हम अपने चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी न किसी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में ही जाकर यह काम करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को दोनों ही ब्रांच से अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाने का ऑप्शन देता है। पहला, जहाँ पर अभी आपका बैंक अकाउंट है, और दूसरा जहां पे अब आप अपना बैंक अकाउंट शिफ्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा यहां पे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने न्यू ब्रांच यानी जहां पे अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वहां पे जाएं। इससे आपको कई बेनिफिट्स होंगे जो इन प्रोसेस के बीच में आपको पता चल जाएगा। जब आप अपने न्यू ब्रांच में जाओगे तो वहां पे आप डायरेक्टली वहां के एम्प्लॉयज को आप बोले कि हमें अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर करके इस ब्रांच में लाना है, तो वहां के एम्प्लॉयज आपको बैंक अकाउंट ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ फॉर्म्स दे देंगे। इनमें से पहला फॉर्म जो रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ट्रांसफर से रिलेटेड फॉर्म, जिसका नाम रहेगा फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर नंबर पोर्टेबिलिटी। और दूसरा जो फॉर्म रहेगा वो नॉर्मल सा एक बैंक अकाउंट खुलवाने का फॉर्म रहेगा। इसके थ्रू आपके सिग्नेचर्स और डिटेल्स को वो अपने ब्रांच में रखेंगे। और तीसरा जो फॉर्म आपको दे सकते हैं वहां के एम्प्लॉयज, वो है कस्टमर प्रोफाइल शीट। लेकिन ये तीसरा फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद वहाँ के एम्प्लॉयज खुद इस तीसरे वाले फॉर्म को फिलअप करते हैं और आपका एक प्रोफाइल तैयार करते हैं अपने पास रखने के लिए। तो जब आपको यह फॉर्म मिल जाएगा तो इन फॉर्म्स को आप अच्छे तरह से फिलअप कर ले। इन फॉर्म्स को फिलअप करना बहुत ही आसान है। तो जब आप यह फॉर्म्स फिलअप कर लेंगे तो इनके साथ में वहाँ के एम्प्लॉयज आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उनको आप इन फॉर्म्स के साथ में अटैच कर लें और फिर वहां पे चले जाएं। वहां पे जाने पर बैंक ऑफ इंडिया के कोई एक एम्प्लॉय आपके सारे डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में आपका अकाउंट ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट दे दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो 24 से 48 घंटों में आपका बैंक अकाउंट बिना किसी टेंशन के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच यानी आपके न्यू ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा। और 48 घंटों के बाद आप अपने न्यू ब्रांच से अपना सारा बैंकिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में प्रोसेस बताया, अगर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हमने पूरा डिटेल में एक पोस्ट लिख रखा है, जैसा कि मैंने बताया, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाने पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस है, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, साथ में इन फॉर्म्स को कैसे फिलअप करें, आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से आप दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।